ओके, तो आज की जो हमारी कहानी है वो थोड़ी इमोशनल है और इसमें हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि हमें एक अलग दुनिया से कनेक्ट करती हैं। स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पर। आज हम देखने जा रहे हैं मिस्टर लॉन्ग नाम की एक मूवी को। फिल्म की शुरुआत में हम कुछ गैंगस्टर्स को देखते हैं जो कि अपने किसी मिशन की बातें कर रहे होते हैं। यहीं पर एक बैग रखा है जिसमें बहुत सारा पैसा और पासपोर्ट भी रखा हुआ है। तभी यहाँ एक लॉन्ग नाम का पर्सन आता है जो उनको बहुत मारता है और मार पीट कर बैग उठाकर होटल में चला जाता है अपने बॉस के पास। और यहाँ हमें पता चलता है कि लॉन्ग एक असासीन है जो लोगों की बेसिकली सुपारी लेकर मारने का काम करता है। अब अगला टारगेट इसका जो है वो जापान टोक्यो में होता है और लॉन्ग टोक्यो आ जाता है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। और अपने टारगेट के पास जब उसको मारने पहुँचता है तो बेचारा ही सफल नहीं हो पाता है। गुंडे इसको पकड़ लेते हैं और फिर मार के बोरी में डाल के रोड पर लाते हैं। इसको जान से मारने वाले होते हैं तभी वहीं पर एक और पर्सन आ जाता है पीछे से जो इन गुंडों का ध्यान भटका देता है और इतनी ही देर में लॉन्ग वहाँ से भाग जाता है। ये वहाँ से भाग कर एक कार में घुस जाता है और वो कार पूरी रात चलती है। और अगली सुबह जब लॉन्ग की आंखें खुलती है तो वो एक अजीब सी जगह पर एक गली में पड़ा हुआ होता है। ये जगह को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जैसे लगता है यहाँ पर कोई नहीं रहता है। और इसकी आंखें जब खुली हैं तो ये वहीं पर एक लड़के को देखता है जो इसके पास खड़ा है। और ये जो छोटा सा लड़का है इसका नाम जून होता है। जून इसको पानी ला कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। और थोड़ी देर बाद आता है मेडिसिन लेकर इसके लिए और फिर से भाग जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद आता है इसके लिए कपड़े लेकर जो कि शायद लड़कियों के कपड़े होते हैं। लोग यहाँ से उठ के जगह को देखता है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं होता है। जैसे लगता है कि यहाँ पर कोई भी आकर रह सकता है जिसका घर नहीं हो। ये कुकिंग के लिए थोड़ी सी जगह ढूंढ लेता है वहीं पर और एक जगह इसे मिल भी जाती है। और लोग यहाँ से सब्जियाँ भी ले लेता है जो कि जून ने वहीं पर रखी थी। और जून अभी भी खड़ा होकर उसको देखे जा रहा है। लोग खाना बनाने लगता है फिर और दोनों मिलकर यहाँ पे खाना खाते हैं। जून बताता है कि मेरी मोम ताइवान की है। और बातें हो रही होती है तभी जून की मोम लिली यहाँ पर आ जाती है और इसे पैसे देकर ड्रग्स लेने के लिए भेज देती है। जून छोटा बच्चा है वो जाकर ड्रग्स खरीदता है और इसको लाकर दे देता है। लोग ये सब देखता है और छीन लेता है लिली से और इसको पानी में डुबोता है, इसके हाथ पर बांध कर रख देता है इसको ताकि ये ड्रग्स ना ले क्योंकि इसका एक छोटा बच्चा है और ये कैसी हरकत कर रही है। रात को लॉन्ग रोड पर ऐसे घूम रहा होता है। वहीं पर इसको कार दिखती है जहाँ पर इसको एक मोबाइल मिल जाता है और ये अपने एक साथी को कॉल करता है, पूछता है कि शिप यहाँ से कब जाएगी ताइवान के लिए। अब यहाँ पर ये कहती है कि शिप इतनी तारीख को जाने वाली है। लॉन्ग इससे थोड़े पैसे भी मांगता है पर लड़की के पास पैसे नहीं होते हैं। लॉन्ग बेचारा उदास हो जाता है और अगली सुबह ये बारिश में बैठा वहीं पर खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ का एक लोकल पर्सन जो कि इसका पड़ोसी होता है वो आ जाता है इसके खाने की स्मेल लेकर और फिर इसका खाना खाता है, उसको अपने घर में लेकर जाता है, वहाँ खाना बनाता है। और फिर लॉन्ग जून और ये पर्सन तीनों खाते हैं। इस पर्सन को इसका खाना बहुत अच्छा लगता है, वो इसको लेकर अपने घर जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इसके सारे पड़ोसी होते हैं। और फिर यहाँ पर लॉन्ग खाना बनाकर सबको खिलाता है। ये खाना बहुत अच्छा होता है जो कि सबको पसंद आता है। अब इतना अच्छा खाना खाने के बाद ये सारे लोगों को कुछ पैसे और कुछ खाना बनाने के जो घर के सामान होते हैं वो सब देते हैं। यहीं पर जून अपनी मोम को रात को खाना खिला रहा है और अब उसकी तबीयत ठीक भी होने लगी है थोड़ी थोड़ी। और लोग अभी भी सोच रहा है कि वो इस जो घर का सामान है जो इसको मिला है वो करेगा क्या इसका। और तभी वो सारे पड़ोसी आ जाते हैं इसके लिए फूड सेलिंग का सामान लेकर और एक स्टॉल भी लाए हैं वो। और यहीं पर वो भीड़ वाले इलाके में कहते हैं कि तुम्हारी हम दुकान खुलवा देंगे। और वहीं पर इसको भीड़ वाले इलाके में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर एक इसकी शॉप बनाई जाती है और ये खाना बेचने लग जाता है वहाँ पर नूडल्स बनाकर जो कि वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि इसकी स्टॉल जो है वो काफ़ी अच्छी है और खाना भी बढ़िया मिलता है तो काफ़ी भीड़ लगने लग चुकी है। शाम को जून और लॉन्ग स्टॉल खींच कर घर लेकर आते हैं और उस सुबह वो लोग वहाँ पर दुकान लगाने जाया करते हैं। और लिली भी अब धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक होने लगी है। यहीं लिली जून को सोए हुए देख रही होती है और हमें इसके पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि लिली एक प्रोस्टिट्यूट का काम किया करती थी। इसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि इसके बॉस का ड्राइवर था। अब यहाँ पर एक दिन लिली जो होती है उस ड्राइवर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इसका जो बॉस है उसको जब यह बात पता चलती है कि मेरे ड्राइवर ने मेरे लिए काम करने वाली प्रोस्टिट्यूट को प्रेग्नेंट कर दिया तो उस ड्राइवर को बहुत मारता है और लिली को कहता है मेरे साथ चल काम करने के लिए ये वो। बट लिली वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है, वो अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। और इसका जो बॉस था वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर भी था। जब लिली वहाँ से भागी तो वो आकर एक जगह पर रहने लगी। थोड़े दिन ऐसे बीत गए और उसके बाद इसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब पैसे की कमी होने लगी थी। लिली वापस उस माफिया के पास जाती है यानी अपनी बॉस के पास और फिर से प्रोस्टिट्यूट का काम करने के लिए रेडी हो जाती है। एक दिन जब ये कॉस्प्ले कर रही होती है तो इसके पास एक बहुत ही अजीब सा कस्टमर आता है जो इसको ड्रग्स देता है। वो कस्टमर इसके पास अब रोज आने लगा है, रोज इसको ड्रग्स देता है और रोज ये मस्ती करते हैं। और यहीं पर लिली को अब ड्रग्स की आदत हो जाती है कुछ दिनों में। एक दिन अचानक वो जो पर्सन था वो आना बंद कर देता है। बट ड्रग्स तो अब चाहिए लिली को क्योंकि उसको आदत हो चुकी है तो वो ड्रग्स की एडिक्ट तो बनी गई है। इसलिए जितने भी इसके पास पैसे होते हैं वो सारा ड्रग्स खरीद कर उसमें उड़ा दिया करती है। यहाँ पर इसके घर में अब पैसे की बहुत कमी होने लग गई है। इस वजह से ये घर का रेंट नहीं दे पाती है इसलिए घर से भी निकाल दिया जाता है इसको और इसके बेटे को।
और जब से ही वो इस अजीब सी जगह पर रहने लगे जहाँ पर कोई आता भी नहीं है पूछने कुछ। और यहीं पर हम फिर आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ हम देखते हैं लोगों को जो कि कुछ दिनों की जो अपनी कमाई है उसको जोड़ रहा है, गिन रहा है, और ये अपने लिए आज कपड़े भी खरीद कर लाया है पहली बार, और पैसे को जोड़कर ताइवान जाने की तैयारी कर रहा होता है। अब टाइम ऐसे ही बीतने लगता है, इसके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। जून भी इसके साथ वहीं स्टॉल पर ही काम किया करता है। वहीं एक दिन यहाँ एक कॉम्पिटिशन हो रहा होता है जहाँ इसके जो पड़ोसी होते हैं उन्होंने हिस्सा लिया होता है और वो थर्ड प्राइज़ जीतते हैं। थर्ड प्राइज़ में 3 वेकेशन की टिकट मिलती है। अब वो पड़ोसी तो जा नहीं सकते इसलिए वो जून को दे देते हैं ताकि वो अपनी मोम और लोंग के साथ जाकर घूम सके, पर लोंग नहीं चाहता। ये बहुत कंफ्यूज आज रात को, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट पैसे जोड़ ही लिए हैं और इसका जो डेट है वो भी आ गया है शिप वाला, यानी कि ताइवान जाने का। अब ये यही सोच रहा है कि ये ताइवान जाए कि वेकेशन पर जाए, क्योंकि अगले दिन इसकी वेकेशन भी है और ताइवान भी जाना है इसको। बट अगर ये वेकेशन पर जाता है तो इसके जो सारे पैसे जोड़े हैं इसने वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। और अगले दिन ये वेकेशन पर जाता है ताकि जून खुश हो सके। तीनों बाहर बहुत मस्ती करते हैं। लोगों को यहाँ पर पहली बार ऐसी फीलिंग आती है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा है। वोकेशन से वापस आने के बाद लिली इसको थैंक यू कहती है और अब लोगों को अच्छा लगने लगा यहीं पर। दिन में स्टोर लगाता है, फूड बेचता है और सबके साथ हंस खेलकर रहता है। उसे ये लाइफ अब पसंद आने लगी है। लोग जून को बेसबॉल टीम भी ज्वाइन करवा देता है और टाइम बहुत तेजी से बीत रहा होता है। जून मैचेस भी जीतने लगा है, खेलने लगा है और वहीं पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी अचानक एक दिन लिली को वहीं आदमी दिखता है जिसने इसे ड्रग्स की आदत लगवाई थी। लिली भागकर अपने घर आती है तो ये आदमी भी इसके घर आ जाता है और फिर से इसको ड्रग्स देने लग जाता है, पर लिली मना करती है तो वो इसको मारने लग जाता है और कहता है कि मेरे साथ चल वरना जून और लोंग दोनों को मार दूंगा। पता चलता है कि ये उसी गैंगस्टर का आदमी है, ये उसी गैंगस्टर के लिए काम करता है। जो बात लिली को पता चलती है ये तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर लिली को ये ड्रग्स देकर उसके साथ वही गलत काम करता है जो ये पहले किया करता था। और घर पे वो सब करने के बाद ये लोंग की शॉप पर आकर नूडल्स खाता है और फिर कॉल करके किसी को बातें करने लग जाता है। लोंग इसे नोटिस कर रहा होता है क्योंकि लोंग भी एक गुंडा है तो इसको भी पता है कि हाव भाव कैसे देखा जाता है इंसानों का। वो इसको देख रहा होता है और इसको उस पर शक होता है, उसको कुछ अजीब लगता है। वो जून को लेकर जल्दी से घर वापस आता है, पर यहाँ पर लिली ने फांसी लगा ली होती है और उसने अपनी जान दे दी है यहाँ। और यहीं पर बाहर वो गुंडे लेकर आ गया आदमी और इसके स्टॉल को तोड़ देता है। और जब पड़ोसी आकर रोकते हैं इनको तो गुंडे इनके पड़ोसी को भी मारते हैं। फिर आता है यहाँ पर गैंगस्टर जो कि मेन विलन है लोंग को मारने के लिए यहाँ पर अपनी पूरी गैंग लेकर, पर लोंग इनको एक एक करके ख़त्म कर देता है। यहाँ लाशों का ढेर लग जाता है पूरी गली में और ये सब देखकर इसके पड़ोसी के होश उड़े हुए हैं। पर जून अपनी मोम को अभी भी याद कर रहा है क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत ही बड़ी बात हो चुकी है, उसकी मोम की मौत। और कुछ दिन बीत जाते हैं, अब लोंग ताइवान वापस आ गया और अपने होटल में बैठा वेट कर रहा है कि कब उसको एक नया ऑर्डर मिलेगा इसके बॉस से मारने का। तभी एक दिन अचानक रोड पर इसकी नज़र पड़ोसियों पर पड़ती है जो कि रोड पर ऐसे घूम रहे होते हैं, उनके साथ जून भी होता है। ये देखकर उनको शॉक्ड होता है कि मेरे पड़ोसी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके जो पड़ोसी है वो इससे मिलने के लिए आए हैं और जून को यहीं छोड़ने के लिए आए क्योंकि जून को लोंग के साथ ही रहना था। यहाँ लोंग जून से मिलकर बहुत खुश होता है और वो डिसाइड करता है कि अब ये लोगों को मारने काटने का काम नहीं करेगा और अब जून के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा। और यहाँ पर मूवी के एंड में हम देखते हैं जून और लोंग को जो कि दोनों एक दूसरे को रोड के बीच में हक करते हैं और सारे पड़ोसी गाड़ी का रुकवा रहे होते हैं और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं मूवी के एंड में सारे। और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए। इस फिल्म में जितना इंपॉर्टेंट रोल उस लोंग का है, जितना इंपॉर्टेंट जून का है, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल ये जो पड़ोसी थे इन सब का है। भले ही हमें इनका नाम नहीं पता पर इन्होंने जो मूवी में काम किया बहुत ही अच्छा किया है। फिल्म अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।